गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम बहुत एक अच्छा आपका टॉपिक ले रहे हैं जो आज के डेट में कॉमन है कि मार्केटिंग प्लान। आज हम लोग को मार्केटिंग प्लान कैसे करना, तो आज देखिए कि हम मार्केटिंग प्लान का एक बहुत ही आपका बेहतर टॉपिक आपको ले रहे हैं कि परसेंटेज लेवल क्या होता है। अब देखिए कि परसेंटेज लेवल अगर 1000 PV करते हैं, 1000 PV पर आपको 6% होता है। अगर 3000 PV का मार्केटिंग करते हैं तो इसमें 9% आपका होता है। यहाँ पर अगर 10000 PV का मार्केटिंग करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर 12% हो जाते हैं। यहाँ पर अगर 20000 का मार्केटिंग करते हैं, 20000 PV का, यहाँ 15% पाए जाते हैं। अगर 32500 करते हैं, यहाँ पर 18% पाए जाते हैं। अगर 45000 करते हैं, 45000 PV करते हैं, यहाँ पर 21% से लेकर 25%। अब देखिए हम इसी को डिफाइन आपको करेंगे कि आखिर ये परसेंटेज लेवल होता है क्या। अभी बहुत आदमी का क्वेश्चन होता है कि सर 1000 PV के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ बहुत आदमी का क्वेश्चन होता है कि 1000 PV इजकल टू, आप समझिए कि ये बिजनेस अभी 200 से प्लस कंट्री में कितना में है, 200 से प्लस देश में है। जैसे अभी मेरा देश, अभी बात करिएगा तो मेरा इंडिया में है, नेपाल में है, आपका भूटान में है, बांग्लादेश में है, कतर में, लगभग अभी मेरा 5-7 जगह मेरा बिजनेस है। अगर बात करिएगा, अगर पिछले महीना का बात करिएगा, कतर से लगभग मेरा 5000 से प्लस का इनकम आया था। इंडियन करेंसी लगभग इसका कन्वर्ट करिएगा तो मेरा 5000 आया था। तो पहला क्या होता है कि अगर 1000 पॉइंट करिएगा, 1000 एक PV बराबर हो गया आपका 3 रुपया, कितना हो गया 3 रुपया। अगर 1000 PV करिएगा तो 1000 × 3 लगभग 3000 का आपको मार्केटिंग करिएगा तो आपका 1000 PV क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये चीज़ जानना होगा कि हर एक को जो भी आदमी यहाँ आते हैं तो पहला आपको PV के बारे में आपको समझाना ज़रूरी है कि अगर आपके घर में अगर चाय उपयोग हो रहा है, अगर आपके घर में पेस्ट उपयोग हो रहा है, अगर आपके घर में साबुन, अगर आपके घर में क्या है ये एस्पायर होना, तो ये क्या है कि खाने पीने और लगाने का प्रोडक्ट है। इससे आपको क्या करना है कि हर एक महीना आपको कितना बनाना है, 1000 पॉइंट बनाना है। अब देखिए जब ये 1000 पॉइंट बनाइएगा तो पहला क्या होता है, जब ये 1000 पॉइंट बनाते हैं आपका क्या हो जाता है, डिएक्शन में आपका ID लग जाता है। यू अगर आप डिएक्शन में आना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1000 पॉइंट का मार्केटिंग आपको करना ही होगा। जब तक 1000 PV आपने करिएगा तो आप अपने नीचे में किसी आदमी को ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं ले सकते हैं। जब ये आपका 1000 PV होगा तो जब ये आदमी यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत आदमी का क्या उद्देश्य होता है, जैसे हम आए थे यहाँ पर तो जिस समय हम BCA कर रहे थे मेरा उद्देश्य क्या था, पहला कि यहाँ पर हम स्वास्थ्य के साथ पैसा भी कमाएंगे, मेरा पहला उद्देश्य क्या था आपका इनकम। दूसरा उद्देश्य बाद में आ गया क्या कि अगर इसका प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो मेरा स्वास्थ्य भी रहेगा। तो शुरू में जो भी पहले आते हैं तो बहुत आदमी बीमार से आते हैं, बहुत आदमी इनकम के माध्यम से भी आते हैं कि हमको यहाँ इनकम भी करना। तो जब ये आप 1000 पॉइंट का मार्केटिंग करिएगा तो आप पूरा दुनिया में कहीं पर कहीं भी अपने नीचे में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आप जैसे इस महीना आप ज्वाइनिंग किए, इस महीना क्या होता है आदमी को, जैसे जिस महीना आप ज्वाइनिंग किए उस समय में बहुत एनर्जी रहता है कि हम एक महीना में 50 करेंगे वो करेंगे, दूसरा महीना होते होते क्या हो जाता है उसका मनोबल कम जाता है। जिस महीना कोई आदमी कहीं पढ़ाई करने के लिए जाता है उसका मनोबल बहुत ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है कि मनोबल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हर एक आदमी अगर 1000 PV करेगा, यहाँ पर कितना आदमी है 10 आदमी, अगर 10 आदमी 1000 PV किया तो क्या हो गया आपका, कितना PV हो गया यहाँ पर, 10000 PV। अगर आप 1000 किए पर्सनल, आप कितना किए पर्सनल PV कितना किए 1000, तो दोनों मिला के अगर करिएगा तो 10 कितना हो गया 11000 PV। अब यहाँ आपको समझना है कि यहाँ 11000 पर कितना पे आप आ गए हैं, 10000 से क्या है नीचे है, मान लीजिए ऊपर है, आप कितना परसेंट पे हैं 12% पर, और ये 1000 PV वाला सब कितना पे हैं 6% पर। तो पहला क्या हो गया, यहाँ डिफरेंस बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर आप 12% पे हैं तो 12 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6%। तो आप टोटल जो मार्केटिंग जो किया है 10000 का, तो 10000 का 6% कितना हो जाएगा 600 रुपया, और आप जो मार्केटिंग किए हैं 1000 इस पर कितना मिल जाएगा 120 रुपया, दोनों का जोड़िएगा तो 7 से कितना हो जाएगा 720 रुपया। तो शुरू महीना में जैसे अभी आप हम कार्ड बनाए, जैसे अभी पिछले महीना में अगर जैसे आप उमा देवी हैं, उमा देवी आपने क्या किए आपने कार्ड बनाया, तो जैसे इस महीना जो आपका कमीशन आएगा तो मिनिमम 700 से 800 रुपया आएगा। तो शुरू महीना में आप आए थे तो सर हम 3000 रुपया लेके क्या करने के लिए यहाँ आए थे, अपना समस्या जो था वो प्रोडक्ट खाने के लिए, मगर कंपनी क्या किया यहाँ पर 750 रुपया आपको दे दिया। तो इस महीना क्या हो जाएगा, फ्री में आपको ये चाय पत्ती और पेस्ट हो जाएगा, साथ में साबुन हो जाएगा। अब ये 700 का बिल कटेगा तो फिर PV बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने इनकम से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं।
तो पहला क्या हो गया, अगर यहाँ कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आपको घर से लगाने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या हो गया कि 750 अगर कमीशन आपका बना 720 रुपया, एक निगेटिव क्वेश्चन लीजिए कि अगला महीना क्या हो गया कि कोई भी आदमी कहता है कि हमको डिएक्शन प्रोडक्ट निगेटिव पॉइंट भी लीजिए कि सर हमको प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं लगा, हम इस प्रोडक्ट को नहीं खाएंगे, क्योंकि निगेटिव भी लेना जरूर है। जब तक प्लान में निगेटिव नहीं लीजिएगा तो आपका बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक आदमी है जो आदमी क्या कर रहा है, जैसे अभी आपके नीचे हम दो आदमी की ज्वाइन किए, एक आदमी क्या कर रहा है हर एक महीना मार्केटिंग कर रहा है 2000-4000, यहाँ आते आते साल भर में यहाँ क्या किया 32000 का पीवी का मार्केटिंग कर लिया। कितना का? 32000 पीवी का, ठीक है, कि महीना में करते गया 10 महीना के बाद यहाँ क्या है कि बिजनेस आपका जुटते जाता है। यहाँ 32000 हो गया, पहले से आपका मार्केटिंग कितना था 10000, और पहले से कितना था आपका यहाँ पर 10000। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर बात करिएगा, जैसे यहाँ पर 35 कर दीजिएगा, राउंड फिगर में 35000 पीवी करिएगा, तो 35 और 10 कितना हो गया, अगर तीनों को जोड़िएगा 35000 पीवी आपका करेंट वाला हो गया और 10000 पिछले वाला था, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 45000 पीवी। अब देखिए 45000 पीवी आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि एक महीना में पुराना है, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। जैसे अभी हम क्या बोले आपको कि 1000 पीवी हर एक महीना करते हैं तो आपके नीचे जो भी कमीशन बनेगा तो हर एक महीना आपको जाते रहेगा। जैसे आपने पिछले महीना में अगर आपके नीचे हम मार्केटिंग नहीं करते तो ये 800 रुपया आपको मिलता आज के डेट में, क्या, क्योंकि नीचे में मार्केटिंग हो जाता है, वो पैसा कहाँ चले जाता, डायरेक्ट हमको आ जाता। यहाँ पर समझना है कि अगर पैसा को रोकना है तो 1000 पीवी, इसमें कंपनी ये नहीं कह रही है कि भैया अपने खाइए, अगर आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है तो 3 प्रोडक्ट खाइए, बाद बाकी क्या करना है रिटेल कर देना, किसी को बता देना कि भैया इसका पेस्ट बहुत अच्छा है, आज मेरे साथ जाइएगा तो महीना में कम से कम 10 से 12000 पीवी का हम रिटेल कर लेते हैं, कस्टमर बना है, क्योंकि जहाँ कस्टमर बनता है तो सबको हम कार्ड नहीं बनाते हैं, पहला अगर जो सक्षम है उसी का कार्ड आपको बनाना ज़रूरी है। तो जब ये 1000 पीवी किए, ये कितना पर है 35000 पीवी पर, यहाँ पर लेवल क्या है 32500 से कितना आपका कितना परसेंट पर है 18% पर, ये आदमी कितना परसेंट पर है 18% पर, और आप यहाँ पर डायरेक्ट कितना पा गए हैं 45000 पीवी, 45000 पीवी का मतलब कितना हो गया 25%, ठीक है। अगर इसको राउंड फिगर में लीजिएगा तो ये 35000 का 35000 जो नीचे में पीवी है और आप हैं 25% की, डिफरेंस कितना बनेगा, घटाइए कितना हो जाएगा, कितना होगा जोड़िए इसको 15 8 7 15 हो गया, कितना हो जाएगा डिफरेंस 7%। अब जो आपका ये 35000 पीवी आया है तो इसका सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा 40000, तो 40000 का 7% कितना हो गया 2800 रुपया। आप जो मार्केटिंग करिएगा, मिनिमम जो आदमी स्टार बनते हैं तो उनको कहता है कि 3000 पीवी करने के लिए, जैसे अभी आप कहीं जाइएगा तो सबका रूल अलग अलग होता है, जैसे अभी हम डायमंड हैं शुरू में थे, अभी हम डबल डायमंड है तो सबका लेवल क्या हो जाता है अलग अलग, जैसे डायमंड थे तो मेरा 25 से 30000 के बीच में था, अभी डबल डायमंड है तो मेरा इनकम क्या है कि 40 से लेकर 60 के बीच में रहता है, किसी में बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो जब ये आपका ये 40000 पे आपको डिफरेंस कितना बनेगा 7%, ये 2800 रुपया हो गया, और आप जो मार्केटिंग करिएगा 3000 का तो 3000 पे आपको कितना मिल जाएगा 25%, तो 25 दिया कितना हो गया 75, 750 रुपया ये हो गया, 0 5 8 7 15 5 हासिल 1 2 1 3 लगभग आपका हो गया 3550 रुपया आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि सर पहले जो हम आए थे शुरू में तो पहले टेंशन क्यों होता था कि पॉकेट से घर से पैसा लेके हमको प्रोडक्ट लेना पड़ता था, अगले महीना में आइएगा वहाँ 3000 रुपया आपके अकाउंट में जब तक पैसा जा चुका रहेगा, उसी पैसा को निकाल के 3000 को आपको क्या करना है कि आपको 1000 पीवी पुराना है और 550 रुपया क्या है कि अगर अदर काम है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपका इनकम धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जब ये आपका ये 3500 रुपया आना शुरू हो जाएगा तो आपको यहाँ मन लगना शुरू हो जाएगा। जैसे शुरू शुरू में जब हम आए थे एगो चाय पत्ती स्पैरलूना हमको दिए, हम बोले भैया दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट है, नहीं समझे। अभी शुरू में आप जब लीजिएगा किसी आदमी को बोलिएगा 145 का साबुन है तो उसको झटका लगता है, भैया 145 में साबुन क्यों मिलता है, क्योंकि आज मार्केट में 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया में अच्छा साबुन मिलता है, मगर यहाँ 145 कहिएगा तो जनरल आदमी क्या हो जाएगा हिल जाता है। एक अच्छा घर में भी जाइएगा वहाँ आदमी जब ये उसको बोलिएगा 450 का चाय पत्ती है तो मुंह ऐसे कर लेगा, नहीं समझे, इसको लगता है कि बीमारी आ गया। जैसे हम लोग को देखने के बाद बहुत आदमी को लगता है कि बीमारी आ गया, भैया हम लोग बीमारी से बाहर निकालने के लिए आए हुए हैं। तो पहला क्या है कि अगर आपका दूर अगर ये 3500 रुपया आता है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका निगेटिविटी दूर होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है कि जब ये आपका ये
आपका ये 3500 रुपया आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि पैसा आता है तो मनोबल बढ़ता है। क्योंकि हम भी शुरू में जब YouTube पे आए थे हमको लगा कि फालतू चीज़ है, कि यहाँ से कुछ नहीं होगा। आज के डेट में अगर बात करिएगा तो रिएक्शन के बाद अगर कहीं हम ज़्यादा टाइम देते हैं तो कौन चीज़ देते हैं, YouTube पर, उसमें भी रिएक्शन का ही वीडियो डालते हैं। यहाँ इतना अच्छा अच्छा कॉमेंट आता है। एक डॉक्टर प्रमिला देवी है, आपका दिल्ली NCR का है, वो हमको कॉल किए बेटा आपका नाम क्या हो गया, हम सारी चीज़ बताएं कि बबलू जी जब भी आप आइएगा दिल्ली एक बार ज़रूर कहिए आइएगा, पूरा कहिए RGGL के बारे में भी बताएं। आखिर हमसे सजेशन क्यों ले रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि जब तक आप बिजनेस को सीखिएगा नहीं आगे नहीं बढ़ पाइएगा। क्योंकि आज हम लोग गरीब हैं क्या, कौन चीज़ के कारण है? क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोचिए कि आपके पास कितना नेटवर्क है, आप सोचिए ना कि आज हम बीमार पड़ जाते हैं मेरा इनकम ख़त्म। अभी हम कहाँ हैं, मधुबनी जिला के हैं, मेरा इनकम कटिहार से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, कतर से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, हम कहाँ बैठे हुए हैं, ओनली फॉर एक जगह पे। आज हमको कुछ नहीं करिए, एक मोबाइल हमको दे दीजिए, भर दिन हमको क्या करिए रूम में पैक कर दीजिए, 30 दिन हम कहीं नहीं जाएंगे। मेरा इनकम जितना है 40 से 50-60 के बीच में, 1 रुपया बढ़ जाएगा मज कमेगा नहीं, दुगुना हो सकता है मज कमेगा नहीं। कारण क्या है कि हम अपने बिजनेस को टोटल वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मैनेज कर रहे हैं। तो पहला जब ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो लेगा आपका स्टार बनेगा तो इसके नीचे भी बिजनेस होगा कि नहीं होगा? जब ये इसके नीचे अगर 10,000 PV हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45,000। जब डायरेक्ट में आपका ये 45,000 PV पूरेगा तो डायरेक्ट में जब ये आपका एक स्टार बनेगा, यहाँ देखिए दिया हुआ, जब डायरेक्ट में एक स्टार बनेगा तो आपको क्या हो जाएगा, 25 से 2% बढ़ जाएगा, 27%। ठीक है, आपको जब ये 27% जाएगा उस समय आपको क्या करना है कि दूसरा लेग आपको गांव से बाहर खोलना है। इसको क्या करना है, गांव से एक जगह, जैसे कटिहार में आपका एक लेग है, एक लेग आपको क्या करना है, आपका सोनाली हो गया वहाँ करिए। क्योंकि पैसा जब देखिएगा तो धीरे, जैसे अभी आप क्यों घर से बाहर नहीं निकलते? आज एक टीचर है वहाँ पर 1500 रुपया की नौकरी के लिए वो अपने वाइफ को चाहे अपने कहे बेटी को भेजती है, वहाँ शर्म क्यों नहीं आता पैसा का? बस रिएक्शन में भी अगर आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा तो शर्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज जहाँ हम जाते हैं ना आदमी को लगता है कि बबलू जी आ गए, पहले भी बबलू जी थे, मज आज क्या है, वह 60,000 वाला बबलू जी है, चेंज हो जाएगा। जब ये आपका इनकम आना शुरू हो जाएगा 90% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे आदमी का क्वेश्चन होता था, मज आज के डेट में जब हम यहाँ से 40,000 रुपया लिए तो सबको लगता सर हम भी वीडियो बनाएंगे तो नहीं होगा। हम वही बात बोलते थे, आज भी वही बोल रहे हैं, मज ये वीडियो हो सकता है वहाँ पर मिलियन में भी जा सकता है। तो पहला क्या है कि जिसको भी आप ला सकते हैं तो पहला जिसको लाते हैं तो उसको सही तरीका से क्या करना है, आपको प्लान करना है, प्लान करके जब ये आपका सेकेंड लेग भी 45,000 PV पूरना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आपका एक दिन में पूरना चाहिए, जखन सेकेंड लेग में आपका पूर जाएगा तो 2% और बढ़ जाएगा, जब ये दूसरा आपका स्टार आएगा तो 2% हो जाएगा, ये आपको तीसरा स्टार उसको भी क्या करना है, खाते पीते इसको 6 महीना साल भर में स्टार बनाना है। जब ये आपका तीसरा लेग बन जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, लगभग आपका 31% का मतलब हो गया स्टार रूबी। आप दिमाग में लगाना है कि डायरेक्ट में, जैसे अभी डायरेक्ट में क्या है आपका एक लेग आपका चल रहा है, आज न कल अगला महीना 2 महीना के बाद स्टार बन जाएगा, दूगो लेगा और आपको बाहर खोलना है, जो भी आपका रिलेशन का है चाहे ऑनलाइन खोलिए चाहे जान पहचान उसको खोलिए, उसको यहाँ लाना है। शुरू में आपको ये टेंशन, अभी बहुत आदमी टेंशन लेते हैं कि सर हमको हर एक महीना 5,000 का मार्केटिंग करना पड़ेगा, 5,000 का दिमाग से हटा दीजिए, हमको कोई मार्केटिंग नहीं। आप यहाँ तक आइए ना, मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कितना दिन जाना है, जब मर्जी तब चले जाते हैं। तो रिएक्शन में अगर आप बराबर आते रहिएगा, 1,000 PV नहीं है, आज हम लोग को 10,000 PV कहेगा तो आसान गुजारा, क्यों? क्योंकि खाते भी हैं और प्रमोट भी करते हैं। तो जब ये आपका ये तीन लेगा आपको चालू होगा तो स्टार रूबी बनिएगा। तो मान लीजिए सपोज इस महीना में आप क्या किए, 3,000 PV अपना मार्केटिंग कर लिए, आपका तीन लेग है, एक लेग से आपका 20,000, क्योंकि आपका स्टार बनेगा वो मार्केटिंग करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए अभी आपके नीचे एक स्टार बनेगा, एक स्टार बनने के लिए कम से कम 25-30 ज्वाइनिंग चाहिए, अगर डायरेक्ट में अगर 30 ज्वाइनिंग है, एक वो आपका स्टार 20,000 कर रहा है, ये भी 20,000 कर रहा है, ये भी 20,000 कर रहा है, तो तीनों स्टार मिला के कितना हो गया आपका, 60,000 PV। यहाँ पर कितना हो गया, तीन स्टार है तो 60,000 PV। अब ये सब कितना पर है, 25 पर, ये भी 25 पर, ये भी 25 पर, आप कितना पे हैं, 31 पर, घटाइए कितना डिफरेंस हो जाएगा, 6%। ये 60,000 का आपको कितना मिल जाएगा, 6%, 6×6 3600 रुपया, और आप जो मार्केटिंग करिएगा 3,000 का तो 3,000 का कितना मिल जाएगा, 31%, इसको मानिएगा 1,000, ये भी हो जाएगा, अगर टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4600 रुपया हो जाएगा। आप पहला क्या है कि स्टार रूबी बनिएगा, उसके साथ क्या है, अगर आपका ये तीनों लेग 60,000 PV हो जाता है, ये भी लेग,
ये भी लेग और ये भी लेग, अगर तीनों लेग 60-60 हज़ार पीवी हो जाता है तो कंपनी 12,500 कौन चीज़ के लिए देता है, मोबाइल इंसेंटिव 12,500। अगर टोटल को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 16,000 लगभग 17,100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका मोबाइल इंसेंटिव देगा तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में ही डालेगा। ये नहीं सोचिएगा कि हमको मोबाइल देगा आपके अकाउंट में 17,000, जैसे मेरा हुआ था 22,000। इसको आपका बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए सपोज ये आपका ये 22,000 रुपया स्टार रूबी में आएगा, स्टार रूबी में जब ये 22,000 रुपया आएगा, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको क्या करना है, मोबाइल मत लीजिए, सजेशन हम देंगे। आप क्या करिए, 22,000 का चाहे प्रोडक्ट ले लीजिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप दिमाग लगाइए कि यातायात मेरे पास नहीं है, तो वो क्या करना, इन्वेस्ट करके गाड़ी ले लेना। जैसे मेरे टीम में जिसका भी आता है तो हम गाड़ी खरीद, जैसे अभी सुनील जी का आया था 22,000 गाड़ी खरीदा दीजिए। जो भी मेरे टीम में आता है, कोई महिला है तो इसको स्कूटी खरीदा दीजिए। आप जब ये 22,000 रुपया एक बार में इंस्टॉलमेंट पे ले लिया तो तीन गो लेग आपका चल रहा है, चौथा लेग जब डायमंड के लिए करिएगा तो गाँव से बाहर करिए। अभी हम आप क्या कर रहे हैं, एक ही जगह उलझ जाते हैं, जैसे कि एगो ज्वाइनिंग किए, एगो यहाँ यहाँ यहाँ, इससे क्या होता है आदमी उलझ जाता। इसीलिए ज्वाइनिंग जैसे अभी कटिहार में किए, अब मेरे माध्यम से होगा चाहे जहाँ पर भी कहीं होगा आपके नीचे डालेंगे, कहीं किसी न किसी के नीचे ही आपको डालना पड़ेगा। जब तीन गो आपका लेग चलेगा तब आपको क्या लगेगा, या जब 20-22 हज़ार रुपया आना शुरू हो जाएगा तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, कहीं लगेगा कि एक्स्ट्रा करें। एक्स्ट्रा करने का मतलब क्या हो गया कि आपका आगे का सोच होगा, आगे के लिए आपको क्या करना है, चौथा लेग जो भी खोलिएगा कम से कम 40-50 किलोमीटर दूरी पे करिए। जैसे हम अभी 200 किलोमीटर किए हैं, मालूम है आने वाला समय में क्या हो जाएगा। अभी जैसे मेरा दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में, क्योंकि आने वाला समय में सबसे बड़ा जो इशू होगा वह होगा हेल्थ इशू। जैसे अभी आपका जियो का कंपनी का मालिक आया था यहाँ टावर लगाने के लिए, क्या नहीं आए थे भाई, इसका इनकम कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है। तो अभी हम टावर लगा के यहाँ जा रहे हैं, मेरा एगो टावर कहाँ चले गया, कतर गए थे हम टावर लगाने के लिए, क्या डीएक्शन का। तो डीएक्शन क्या है कि पूरा दुनिया में है, आने वाला समय में अगर आप बड़ा से बड़ा कंपनी पे अगर भारी पड़ेगा तो वह डायरेक्ट सेलिंग पड़ेगा, और उसका हम आपको प्रूफ भी देंगे। क्योंकि एक साथ इतना हम टॉपिक को लपेट आपको नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं, उसका भविष्य बताएंगे, इसके बाद 10 मिनट के बाद आपको बताएंगे कि डीएक्शन आखिर आपको क्यों करना है। चौथा लेग जब ये आप गांव से बाहर करिएगा 50-100 किलोमीटर में, ये चौथा लेग जब ये स्टार बनता है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2% बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, चौथा जब आपका स्टार बनेगा 2% बढ़ जाएगा, फिर ये पाँचवा लेग आप स्टार बनेगा आपके नीचे में, फिर आपका 2% बढ़ जाएगा, और डायरेक्ट में अगर ये छठा लेगा स्टार बनेगा यहाँ 2% और बढ़ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका 37%, यही आप बन जाइएगा स्टार डायमंड। यहाँ स्टार डायमंड बनने का मतलब हो गया कि आपका चेहरा चमकने लगेगा, जैसे अभी हम लोग का चमक रहा, पैसा आएगा तो चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। तो पहला 37% में जाइएगा तब आपको लगेगा कि हम डीएक्शन का कुछ है, क्योंकि आपका इनकम भी आना लगेगा और धीरे धीरे आपका रुतबा भी बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा क्या होता है आज के डेट में, भाई आपका हेल्थ के साथ साथ पैसा भी चाहिए, क्योंकि आज भौतिक युग है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ये तो एस्पायर लूना तो बहुत अच्छा है भैया, पैसा रहेगा तब ना खा पाइएगा। आज के डेट में 90% इंसान क्या है कि आज हम लोग करना नहीं चाहते हैं। जब ये आप 37% पे जाइएगा, आपका कितना लेग है मैडम, 6 गो, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ये 6, अब 6 स्टार आपका 20-20 हज़ार पीवी कर रहा है तो 6 स्टार में कितना हो जाएगा, 1 लाख, बोलिए 1,20,000 बोलिए भी तो, हाँ या ना बोलिएगा तब ना, एनर्जी शरीर में रखिए, प्लान करोड़ों का देखते हैं और शरीर में एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, हंसते देखिए, ये जिन बिजनेस क्या है, हंसिए और हंसे, ये टेंशन का बिजनेस नहीं है। कभी आपका परिस्थिति जिस हिसाब से आएगा आने वाला समय में, इस बिजनेस को हम क्या बोले कि लास्ट मेरा टॉपिक रहेगा, क्योंकि एक साथ हम दोनों वीडियो आपको नहीं बनाएंगे। अब देखिए 1,20,000 पीवी गया आपका टोटल, 1,20,000 का सेल्स वैल्यू अगर करिएगा यहाँ हो जाएगा 1.5 लाख, कितना हो जाएगा 1.5 लाख। अब ये सब कितना पे है मैडम टोटल, 25 पर, ये भी 25 पर, आप कितना पे है यहाँ पर 37 में से 25 घटाइएगा कितना हो जाएगा 12%, ये 1.5 लाख का आप 12% करिए कितना हो जाएगा आपको मालूम है, आपको करिए इसको, आपका 1.5 लाख का 12% कितना हो जाएगा विवेक जी, 1.5 लाख का 12% कितना हो जाएगा, हाँ बोलिए बोलिए, कैलकुलेशन करिए, आप मैथ पढ़े हुए हैं ना, आप देखिए आप जो मार्केटिंग करिएगा डायरेक्ट में 3,000 का क्या हो जाएगा, ये 3,000 जो पीवी करिएगा उसको आपको कितना मिलेगा 37%, इसको अगर कैलकुलेशन करिएगा आपका ये 1200 रुपया हो जाएगा, ये 12% अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1,00,000 का 12 5 60 लगभग, ये लगभग 18 से 19,000 ये भी हो जाएगा आपका।
18,000 हो जाएगा, ये 18,000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट बोनस भी आएगा, फिर आपका 2% क्या है ग्रुप इंसेंटिव भी है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे, अभी डायमंड आप हैं तो मेरा यहाँ देखते होंगे, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, यहाँ 2% क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट में कि लीडरशिप बोनस कितना आया है मेरा 2367 रुपया। अभी हम वर्क कहाँ कर रहे हैं इंडिया में, मैं जब डायमंड बनिएगा तो 200 से प्लस कंट्री का जो भी डायमंड है उसका 2% कैलकुलेट करके आपको ई वैलेट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अभी जैसे मेरा 2000 जो आपका आया है, जैसे आपका लीडरशिप कहाँ से आया है, कहीं कतर से आया है, कहीं मलेशिया, कंपनी का जो टर्नओवर होगा उसमें आपका 2% का आपको शेयरदार कर देगा। आज बताइए कोई भी कंपनी आपका जितना टर्नओवर होगा उसमें 2% आपको शेयर करेगा। मैं ये जो मेरा 2000 आया है तो 2000 में 1300 ये सब टोटल सामान क्या हो गया मेरा फ्री में, वो इंडिया से कोई मतलब नहीं है। अगर आप डायमंड बनते हैं तो पूरा 20 लेवल पे आप आ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका 2000-3000 अलग से आएगा वो हो गया लीडरशिप, हो सकता है 2% ये 2000 आ जाएगा। अगर टोटल आप जाएगा डेवलपमेंट मानिएगा 10000 आ गया, अगर टोटल करिएगा तो एक डायमंड का इनकम कितना हो जाता है स्टार डायमंड का, 40 और 50 के बीच में आपका इनकम आएगा, कितना आएगा 40 और 50 के बीच में। मिनिमम अगर एक डायमंड का बात करिएगा तो मिनिमम 25,000 से क्या होता है एक डायमंड का इनकम प्लस होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप क्वेश्चन करिएगा सर हम जैसे अभी स्टार डायमंड बन जाते हैं मेरा 6 लेग चले जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर 6 खोलते हैं तो कोई जरूरी है कि एक महीना में हो जाएगा, साल भर में होने दीजिए, टेंशन नहीं लेना हमको कि इतना ही दिन में करना। अभी बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, तेज तो दौड़ते हैं बस संभलना भी जरूरी है। आज हम यहाँ से आपको मधुबनी से यहाँ आए हैं, आप एक बार में हम 200 किलोमीटर के लिए हम कितना क्या घंटा रखें, 6 घंटा, बैकअप भी होना जरूरी है। ये प्लान करिएगा तो बहुत सारे आदमी का ताना भी आपको सुनना पड़ेगा। जैसे शुरू में हम भी प्लान किए थे तो बहुत आदमी का क्वेश्चन होता था कि सर जी आप पढ़े लिखे हैं, आपके घर में सब आदमी जॉब करते हैं, आपके पिताजी, आप चाय क्यों बेचते हैं, बहुत आदमी का क्वेश्चन था। क्योंकि मेरा चाय बेचना मेरा मकसद नहीं था, मेरा इस बिजनेस के माध्यम से था कि हम पूरा दुनिया में कैसे छाएंगे। क्योंकि आज आप अगर देख रहे हैं कि आज YouTube से जैसे अभी एक लड़का आया था, अभी वीडियो बनाया गया, उसका मेरा कोई जान पहचान नहीं था, महबूब आलम था, और देखने के बाद क्या हुआ तुरंत हाथ मिलाया, गुड मॉर्निंग सर, सर आपका हम बहुत बड़ा फैन है, भैया हम इसको क्या दिए, अभी एक वीडियो भी बना के आपसे पहले 2 भी बनाया है, आज डालेंगे हम। आज आखिर मेरा क्यों मेरा सम्मान किया, वाई रिएक्शन तो अपने जगह पर, बस आज क्या है कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से क्या कर रहे हैं किसी आदमी को मेरी बात से काम करने का प्रेरणा भी मिलता है। बहुत सारा आदमी कमेंट भी करता है तो बहुत आदमी का कमेंट का भी जवाब, क्योंकि ये देखिए अभी मेरे ग्रुप में लगभग अभी मेरा 10,000 सब्सक्राइबर है, अगर 10,000 सब्सक्राइबर का हर एक आदमी का हम कमेंट का जवाब नहीं दे सकते हैं, हर एक आदमी का पर्सनल हम कॉल रिसीव भी नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप 4 से 6 हम फ्री रहते हैं उस समय आपको क्या करना है, कॉल भी करना है। अब ये 40,000 रुपया आएगा तो ये क्या होगी आपका परमानेंट नेचर का, समझ गए ना, इसमें कोई आपका नहीं है। प्लस इसमें क्या होगा कि आपका जो TDS कट के आएगा वो 5% TDS कट के भी वह पैसा आएगा। तो पहला रिएक्शन में आपको अगर आते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे, पहला क्या है कि अपने दिमाग में आप रखिए हमको 1000 PV हंस के भी रो के भी आपको करना है, क्योंकि 1000 PV जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है अगर 30 दिन पढ़ने के लिए नहीं जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर अगर चार्ज नहीं रहेगा, ट्यूशन चार्ज नहीं रहेगा, विद्यार्थी भी नहीं जाएगा पैसा, क्योंकि आपको यहाँ 1000 PV करने का मतलब क्या है कि आप डेली आइएगा, विवेक सर एगो पेस्ट दे दीजिए, आप 1000 करिएगा, हो सकता है कि 1000 के बीच में बहुत सारा आदमी को आपको मिलने का भी मौका मिलेगा। जैसे आज हम कटिहार आए तो आपसे क्यों मिले, मेरा मकसद ये की नहीं है, क्योंकि आने वाला समय में अगर एक लेग भी मेरा चले गया, यहाँ सिंगल लेग से भी इनकम आता है, यहाँ अगर सिंगल लेग भी, जैसे अगर पिछले महीना में आपका स्टेटमेंट हम निकाल के दिखा देंगे क्योंकि आपका दूसरा लेग नहीं चल रहा, तो सिंगल लेग भी आखिर इनकम कैसे आया, जैसे आपके नीचे वाला आपका प्रतिभा देवी कितना पे था 9% पे, अभी आप कितना पे हैं कहिए 12 पर, ये आपको 9-3% आपका डिफरेंस भी बना है, वो भी आपको दिखाई देगा। उससे आपको जब स्टेटमेंट हर एक महीना का आपको देखना है, किसी महीना में हो सकता है 1000 रुपया भी आएगा, किसी महीना में 200 भी आ सकता है, आप मज कभी निगेटिव बात मत करिए, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन से आगे जाना है तो अगर हम सेकेंड आपको वीडियो बनाएंगे इस बिजनेस को आपको क्यों करना है, क्योंकि आने वाला समय में होगा क्या, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा 30-40 मिनट का, इसको बहुत आदमी समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा पहला जो आपको क्या बोले थे कि 1000 पॉइंट आपको अगर बिजनेस में टिकना है तो करना है, पहला आप स्टार बनते हैं अपने नीचे में क्या करना है, शुरू में 3 लेग लेना है,
क्योंकि एक बार में क्या होता है, राधा का नौ मन होगा ना नाचेगी। पहले में क्या करना है आपको, दो से तीन लेग खोलना है, ज़्यादा नहीं करना। जैसे अभी आपका सिंगल लेग पे हम वर्क कर रहे हैं, सेकेंड लेग आप खोलिए, थर्ड लेग भी कहाँ है नहीं है उससे दिमाग आपको नहीं लगाना। जहाँ पर भी आदमी है पहले आप लिस्ट बना लीजिएगा। जैसे अभी इसका भी टॉपिक अलग है, सिक्स बेसिक का मेरा वीडियो डाला हुआ, उसमें समझिएगा कि हमको बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। तो ज़्यादा हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। जो भी मेरे चैनल पर बने हुए हैं इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी और शेयर भी करिए। गुड मॉर्निंग।